ये देखने के लिए कि सिम्स में प्रवेश के लिए एक विकल्प है क्या। पहले सामने से प्रवेश था, अभी ट्रॉमा भी और मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी और सामान्य ओपीडी के पेशेंट्स भी साइड और पीछे के दरवाजे से जाते हैं। अप्रोच रोड की भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं दिखी, उसमें हालांकि गड्ढे तो भर दिए गए हैं लेकिन सील कोट की आवश्यकता होगी वहाँ, और नाली निकासी इत्यादि की भी दिक्कत है। पार्किंग के लिए और विकल्प निकाले जा सकते हैं क्या, जो पुराने शेड थे उनका उपयोग किया जा सकता है कि नहीं, उसको भी परीक्षण उसका भी करेंगे। इसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में बन रहा है जहां सिम्स को भी जाना है, शिफ्ट होना है, उस परिसर को भी देखने गए थे। अभी काम प्रारंभिक स्तर पे है, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर इतना का ही निर्माण अभी हुआ पाया है या अधूरा है। शेष करीब 86 करोड़ के इस निर्माण के कार्य की प्रगति, बेसमेंट प्लस 11 मंजिल हैं, तो 11 मंजिल बनने में लगता है कुछ समय है। हालांकि निर्माणकर्ताओं ने उत्साहजनक जानकारी दी कि वो अगले साल के अगस्त या सितंबर तक पूरे काम को पूर्ण कर लेंगे। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, एक समय के अंदर काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नए चीजों की आवश्यकता, नए चीजों का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि निर्माण के पहले वो भी स्थिति नहीं थी। अभी यहाँ MCH अस्पताल में हम लोग आए हैं तो SNCU यूनिट जो ट्रांसफर होके यहाँ आना है अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ने की दिशा में यहाँ पर सुधार दिख रहा है। पिछले बार OPD आए थे उसकी तुलना में जिला अस्पताल का OPD मुझे बेहतर लगा, फिर भी कमियाँ रहती हैं, कहीं पर पंखे नहीं हैं, कहीं पर और